हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। सुक्खू के दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू भी अपनी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह झूठ बोलने में माहिर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की तिलमिलाहट का कारण सत्ता में ना होना है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में कितनी बार सीएम ने नदौन का दौरा किया था, लेकिन तब तो स्पाइस पार्क के काम की याद कांग्रेस को नहीं आई, लेकिन जब आज प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस नहीं है तो झूठ और गुमराह करने की राजनीति की जा रही है। सांसद ने सुक्खू को सलाह दी कि वह झूठ बोलने की राजनीति से बाहर जाएं। गौर है कि गत कुछ दिन पहले ही सुक्खू ने हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर से प्रेस वार्ता के दौरान हिसाब मांगा था, तो बीजेपी सरकार पर भी संगीन आरोप लगाए थे, जिस पर अब बार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए माननीय सुक्खू जी, मैं तो सोचता था कि इनके पार्टी के बाकी नेता ही झूठ बोलते हैं, अध्यक्ष जी उनसे भी आगे बढ़कर बोलते हैं, और इतना झूठ और गुमराह करने की राजनीति जो कांग्रेस ने देश भर में की है, वही कारण है कि 22 राज्यों से इनकी सरकार जा चुकी है। और आज तिलमिला जो कांग्रेस रही, उसका बड़ा कारण यह है कि झूठ बोलती है। आखिरकार जब इनकी राज्य में अपनी सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी ने कितनी बार नदौन का दौरा किया, सुक्खू जी ने कितनी बार स्पाइक्स पार्क की बात उस समय उठाई, कब उसका शिलान्यास हुआ जब सरकार जाने वाली थी तब। मुझे लगता है केवल भ्रमित करने का काम जो कांग्रेस करती है, इससे उनका लाभ नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। देखिए 70 साल में लगातार कांग्रेस के सांसद रहे, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही, किसी ने एक बार भी हमीरपुर को रेलवे लाइन से जोड़ने की ना बात कही ना प्रयास किए। मैंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिले ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए ना केवल प्रयास किए, बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर करा दिए, हजारों करोड़ रुपए की रेलवे लाइनें मंजूर करा दी। ये अपने आप में दिखाता है, कहा नहीं करके दिखाया है, और कुछ लोग कहते भी हैं तो झूठ ही कहते हैं।